दोस्तों इस वीडियो में मैं दो गानों पर रिव्यू लेकर के आया हूं और दोनों गाना ये वाला है। मतलब इस गाने को आपने सुना होगा, सुनने के बाद आपको लगा होगा, आप खुद डिसाइड कर लिए होगा कि भाई ये वाला गाना बहुत अच्छा है और ये वाला गाना जो है उससे थोड़ा कम ही है। लेकिन देखिए इन दोनों गानों में कौन बेस्ट गाना है और इन दोनों गाने का जो म्यूजिक है, किसका जो म्यूजिक है सबसे अपर लेवल का, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और वीडियो की क्वालिटी और गाने का दोनों का कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक गाना है जो है पवन सिंह का है, पावर स्टार पवन सिंह का, और दूसरे गाने की बात करें तो भाई ये है अपने ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन मेरा स्टार का गाना है। अब चलिए देखते हैं इन दोनों गानों को कि किसका जो गाना है सबसे ब्लास्ट होता है। तो देखिए शुरू करेंगे हम पहले पवन सिंह के गाने से कि पवन सिंह का गाना क्या अपना प्रदर्शन किया है, लोगों को कितना अपने आप से कनेक्ट किया है। तो इस गाने को चलिए देखिए, म्यूजिक की बात करेंगे सबसे पहले अगर, तो म्यूजिक की बात करेंगे इस गाने का, आप ये म्यूजिक सुनो। देखिए इसका जो म्यूजिक है कुछ इस प्रकार से था, और मैं खेसारी लाल यादव के गाने का जो म्यूजिक है मैं उसको सुनाता हूं और आप डिसाइड करना कि इन दोनों म्यूजिक में से आपको कौन से स्टार का म्यूजिक जो है सबसे अच्छा लगा। ये वाला म्यूजिक जो खेसारी लाल यादव के गाने का है इसे आप सुनो। देखिए अगर बात करें पवन सिंह के वीडियो क्वालिटी की बात करें तो भाई वही जो सेम चलता है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में वही वाला क्वालिटी है। और खेसारी लाल यादव की बात करें, इस दोनों वीडियो को कंपेयर किया जाए तो मुझे जो है ना भाई बिल्कुल, मतलब हकीकत में बता दूं आपको, आप बोलोगे कि खेसारी का सपोर्ट करता है तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में मुझे जो क्वालिटी अच्छा लगा वो खेसारी लाल यादव का क्वालिटी है, और जो बैकग्राउंड है आपने देखा होगा गजब, मतलब मजा आ गया यार खेसारी लाल यादव के वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए हम इसमें एक और चीज कंपेयर करने वाला हूं इन दोनों स्टारों में। देखिए पवन सिंह जो भाई है ना अपने गाने में मतलब एक ही हीरोइन के साथ जूझ रहे हैं, एक ही हीरोइन से लड़ रहे हैं, और वही बात करें खेसारी लाल यादव की तो भाई देखो इनके गाने में मतलब दो दो हीरोइन, मतलब इसे बोलते हैं यार ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार मेगा स्टार। देखिए अब इनका कंपेयर इनसे किया जाए और इनका कंपेयर इनसे किया जाए तो मतलब इन दोनों में दूर दूर तक मतलब कहीं भी मुकाबला नहीं हो सकता है। कुल मिला जुला कर अगर हम आपको बता दें तो देखिए खेसारी लाल यादव का जो गाना है इनके गाने को पीट कर आगे निकल जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कई कारण है, मतलब गजब का उनका ड्रेसअप है भाई। मतलब अगर ड्रेसअप की बात करें तो खेसारी लाल यादव का इस गाने में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लुक मुझे लगा पर्सनली, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। और पवन सिंह की बात करें तो देखिए पवन सिंह का जो ड्रेसअप है आप खुद ही देख लो। देखिए अब पवन सिंह का जो ड्रेसअप है इसे देखने के बाद आपको क्या लगा, और खेसारी लाल यादव का जो ड्रेसअप है उसे भी हम आपको दिखाते हैं, जरा ये वाला देखो। मैं अगर हकीकत बता दूं तो देखो खेसारी लाल यादव के गाने को भी मैंने सुना और पवन सिंह के गाने को भी मैंने सुना, मतलब इन दोनों गाने को सुनने के बाद मुझे तो मजा आ गया भाई खेसारी लाल यादव को गाना सुनकर। देखिए इस बात को मतलब यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, देखिए पवन सिंह की बात करें तो लाइटर फाइटर क्रेक फाइटर बस इसी में लगे हैं, और खेसारी लाल यादव की बात करें भाई तो ये मजा ही आ जाता है। ये क्लिप सुनो आप। ये समस्या के झगड़ा से हल ना होई, हमारा से ब्यूटी मान ना होई। मतलब आप खुद ही बता दो कि इन दोनों स्टार में आपको गाना किसका अच्छा लगा। और बात करें देखिए खेसारी लाल यादव की तो खेसारी लाल यादव के टक्कर में मेरी नजरिए से तो भाई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना।